उनकी कुर्बानी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, हमें वोटर कार्ड मिले, हम अपने नेता खुद चुनने लगे। लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुतों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्होंने एक समझ रखा है, ये 26 जनवरी को पंजाब की झांकी निकाल दी, झांकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी। अरे भगत सिंह से बड़े हो गए तुम, राजगुरु सुखदेव से बड़े हो गए तुम, करतार सिंह सराबा से बड़े हो गए, लाला लाजपत राय से बड़े हो गए। आपके यहाँ कोई, आपका कोई रिश्तेदार जलियांवाले बाग में मारा गया था? ना ना ना, अरे आजादी लेके दी जिन्होंने, उनकी झांकी रिजेक्ट कर रहे हो। क्या क्या हिम्मत है आप में? सो मेरे देशवासियों, आओ, देश को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा था। पहले लड़े थे गोरों से, तो ये आ गए आजकल के नए अंग्रेज आ गए। आज आपको सुन के हैरानी होगी, आज पूरी दुनिया के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, जर्मनी के कई अखबार, उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये कह रहे हैं ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कह रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। ऐड आती है ना, पापा मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। अरे अपने घर वालों को तो अंदर कर रहे हो, वहां का युद्ध रुकवा रहे हो, हद कर रहे हो। हरियाणा के नौजवानों को कह रहे हैं अब यूक्रेन चले जाओ, युद्ध में झोंक रहे हैं। तो ये दादागिरी ये नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में मैं यही बोलता था, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे, पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को कैद नहीं कर सकते। जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आते, सरकार कैसे चलेगी दिल्ली की? चलेगी दिल्ली की सरकार, किस तरह से चलाएंगे? कानून के मुताबिक ही चलाएंगे। कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई मुख्यमंत्री को ऐसे, अरविंद केजरीवाल, कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेंटा के अधीन किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में कर दोगे,
तो वो जे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। लो वो तो अभी लेके गए हैं, वो दोषी साबित थोड़ी हुए हैं। सरकार चलेगी, सरकार कानून से चलाएंगे, हमारे मंत्री खड़े हैं, सब चलेंगे। आप दोनों साथ दिखते थे कैंपेन में, हर कैंपेन आप दोनों साथ दिखते थे, अब कैसे अकेले सर? करेंगे, प्रचार करेंगे सारे। देखो अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो जो भी प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो हम एक, मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था, करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल हैं देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल है, हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। फिर क्यों रब मेरी औखे कम ड्यूटी ला दिंदा, पर शायद रब नू पता है कि मैं औखे कम कर लेना, करांगे। सुनील जाखड़ ईसी जा रहे हैं, जिहड़े पिछे जे कहंदे सी कि केजरीवाल ते भगवंत मान ने फोटो ला लिया सी चाकिया ते, जिहड़े बाद च मुकराना पै गया सी ना, छड्डो परे अपनी पार्टी ने अजकल अब यहाँ से पार्टी के ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देके हम उनको याद करेंगे, और उनकी उनकी सोच को बचाने के लिए, भगत सिंह की सोच ये थी कि मुझे कोई शक नहीं कि आजादी मिलेगी या ना, आजादी तो मिलेगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और आज ये डर पूरा सही साबित हो गया भगत सिंह का। ये लोग आ गए, ये लोग डिक्टेटरशिप करते हैं, किसी के एमएलए खरीद लो, किसी की सरकार तोड़ दो, कहीं राज्यसभा में खरीद लो, कहीं लोकसभा में खरीद लो, विधानसभा में खरीद लो, ये खरीदो फरोख्त वाला भाई सब काम देश में बंद होना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना है। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोल रहा हूँ चार लाइनें, कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।